हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अन अकेडमी. वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज़ योर अन अकेडमी. आज जो है हमारी सीरीज़ जो है इंडियन साइंटिस्ट की, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. और आज के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, नन अदर देन सत्येंद्र नाथ बोस जो है, आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो उनके जो सॉरी उनका जितना भी हिस्ट्री एवोल्यूशन और जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन साइंटिस्ट, एज अ इंडियन साइंटिस्ट जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा. देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं वो एक इंडियन फिजिसिस्ट थे. जो आपने हिग्स बोसोन का नाम सुना है, तो ये जो बोसोन है ये बोस को ही जो है रिप्रेजेंट करता है. जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके, उन सब में जो है बोसोन जो है आता है. तो वो बोसोन जो है वो आपके बोस से ही, सत्येंद्र नाथ बोस को ही जो है एक ट्रिब्यूट दिया गया है. ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है बोसोन स्टैटिस्टिक्स रिसर्च पेपर किया था, जिसके बारे में जो है डिस्कवरी इन्होंने नहीं की थी बोसोन्स की, बोसोन्स पार्टिकल की, बट एक स्टैटिस्टिक्स, एक मैकेनिक्स दिया था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दिया था, जिसके जरिए अप्लाई करके लोगों ने बोसोन पार्टिकल्स की क्या करी, डिस्कवरीज करी. ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है. तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी. फ्री प्लान बेनिफिट्स हैं आपके पास, 500+ आपकी फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी, फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, स्पेशल क्लास के फीचर्स हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस रहती हैं, आपको पोल्स दिए जाएंगे ताकि जो है आप लीडर बोर्ड देख सकें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी टॉपिक की, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो. लेक्चर नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट्स में जो है अवेलेबल होंगे. ठीक है, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं. स्पेशल क्लासेस जो हैं ये मेरी चलेंगी, जिसमें जो है पॉलिटी जो है उसको हम जो है देखेंगे. उसमें मेरी बहुत सारे मिनी कोर्सेज मैंने बना रखे हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी यूनिट 6 से रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे जुडिशियल सिस्टम है, प्रीएम्बल है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, सिटीजनशिप है. ठीक है, और अभी जो है लेटेस्ट में मेंस पेपर 2 जो है उसका एनालिसिस करूंगी और आपको जो है बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे आपको जो है मार्क्स फ्रेम करने हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर. ठीक है, 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स की सीरीज यहाँ पर चल रही है, 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है. ठीक है, यहाँ पर आपके फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, टारगेट 2021 बैच चल रही है. आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो उस रेफरल कोड में जो है आप मेरा कोड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. पैट लाइव जो है मेरा कोड है, आप यहाँ पर रेफरल कोड में उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिले. उसके बाद प्लस कोर्सेज जो हैं उसके प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों. प्लस फीचर्स जो हैं यहाँ पर आप घर बैठे अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, पूरा जो सिलेबस है आपका उसका एग्जॉस्टिवली कवरेज होता है, कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, सारे टॉपिक वाइज जो है आपकी सीरीज चलती है, सिलेबस वाइज होता है सब कुछ, डाउट क्लियरिंग के सेशंस रेगुलर होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, स्टडी मटेरियल का फॉर्मेट आपको पीडीएफ में मिल जाता है, आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं और मेंटरशिप गाइडेंस भी होता है 1-on-1. तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जो है अवेल कर सकते हैं इन प्लस कोर्स. ठीक है, 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, 8 मंथ्स फाउंडेशन बैच है. ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी यहाँ पर. 25 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, 8 मंथ्स फाउंडेशन बैच है ये, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज हो चुकी है. तो ये नया बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो 25 अगस्त से है. 24 अगस्त से मिशन एमपीपीएससी 2022 जो है 2 ईयर्स फाउंडेशन कोर्स भी जो है स्टार्ट हो चुका है. तो यहाँ पर जो है आपके बैचेस चल रही हैं. ठीक है, 8 मंथ्स फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी चल रहा है. इंग्लिश मीडियम 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है. टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 जीएस की पूर्ण तैयारी, 75 डेज में हिंदी प्रीलिम्स बैच जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है 31 अगस्त से. ठीक
ठीक है, आप ये सभी कोर्सेज जो है ये अवेलेबल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री है, और अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। तो आप ये जो वाला जो ऑफर है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप इसको जल्द से जल्द ले लीजिए। ठीक है, आप इसको लेने के लिए जो है आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर जो है आप मेरा कोड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कोड है पैट लाइव मेरा कोड है, आपको 10% जो है ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ अबाउट मी। चलिए बात करते हैं हम लोग सत्येंद्र नाथ बोस की। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ये, इकलौते आपके जो है ऐसे फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में पढ़ाया है, जो प्रोफेसर बने हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हैं विदाउट एनी पीएचडी डिग्री। उस टाइम पर बिना पीएचडी डिग्री के आप टीचिंग नहीं कर सकते थे, बट इनको जो है डायरेक्ट रिकमेंडेशन किया था इनका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि इन्हें जो है एचओडी बनाया जाए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में फिजिक्स डिपार्टमेंट का। तो विदाउट जो है डॉक्टरेट डिग्री, बिना डॉक्टरेट लगाए ही इन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज करी और इन्हें प्रोफेसर बनाया गया। ठीक है, बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं एक फिजिसिस्ट थे, और यहाँ पर जो है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को जो है इनका बर्थ हुआ है। 1 जनवरी 1894 कैलकटा में इनका बर्थ हुआ है। इनके जो फादर थे सुरेंद्र नाथ बोस, वो भी जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, ईस्ट इंडियन रेलवेज में थे वो भी। ठीक है, और बहुत ही इंटेलिजेंट थे आपके सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और यहाँ पर जो है वो हाई स्कूल, हिंदू हाई स्कूल से पढ़े हैं, और हमेशा इन्होंने क्या टॉप किया हुआ है, हिंदू हाई स्कूल से पढ़े हैं, हमेशा टॉप किया है इन्होंने। मैथ्स बहुत ही अच्छा था इनका, बोला भी जाता है कि जब इनके फादर जो हैं जब ऑफिस जाया करते थे तो इनके लिए फ्लोर पर, ज़मीन पर कुछ जो है प्रॉब्लम्स लिख के जाया करते थे, और जब तक इनके फादर घर आते थे तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रखते थे। तो इनका मैथ्स में भी जो है बहुत ज़्यादा जो था इंटरेस्ट था। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी करी है, इनका जो ग्रेजुएशन है ये प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरा हुआ है। ये वही कॉलेज है जहाँ पर आपने जगदीश चंद्र बोस और अपने प्रफुल्ल चंद्र रे जो हैं, पीसी रे जो हैं, इन्होंने भी अपनी यहीं से पढ़ाई करी है, और यहीं पर जो है इन्होंने पढ़ाया भी है। तो उसी कॉलेज से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है। इन्होंने जो है बीएससी और एमएससी किया है मैथ्स से, ठीक है, मैथमेटिक्स से इन्होंने अपना बीएससी और एमएससी किया है। मास्टर्स जो है इन्होंने कैलकटा यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है, और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये तो फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने मैथ्स की डिग्री ली है। देखिए, मैथ्स और फिजिक्स का तो जो है आपस में ही बहुत गहरा रिश्ता है, तो मैथ्स अगर आती है तो आपका, अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो आपको फिजिक्स जो है आपको बहुत ही अच्छी लगती है, और फिजिक्स आपसे बनती है। ठीक है, बेसिक मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए तो फिजिक्स में आपकी कमांड हो जाती है। तो मैथ्स में भी इनकी शुरू से ही रुचि थी, तो मैथ्स में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया कैलकटा यूनिवर्सिटी में। और इनका जो है एक, इन्होंने एक जो है एक क्राइटेरिया एक सेट करके रखा है, वहाँ पर जो है इनको जो एग्ज़ाम दिया था इनको, तो मैथ्स में इनके 110 मार्क्स आए थे 100 में से। अब आप सोच रहे होंगे कि 110 मार्क्स, 10 मार्क्स ज़्यादा क्यों दिए 100 में से भाई। तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है, हाईएस्ट यही है 110 100 में से। अब वहाँ की जो फैकल्टीज थी उन्होंने इनको इतने मार्क्स इसलिए दिए क्योंकि वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस में, जितने भी जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, जो सत्येंद्र नाथ बोस है उन्होंने हर क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करके और सॉल्यूशन निकाला सही, उस चीज की वजह से इनको जो है +10 मार्क्स मिले। तो 110 मार्क्स मिले इनको 100 में से, और ये वाला रिकॉर्ड अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। फिर जो है जैसे ही इनका बीएससी और एमएससी हुआ, फिजिक्स में तो इनकी रुचि थी ही, तो ये जो है आपके साइंस कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में ये लेक्चरार बने। ठीक है, जो साइंस कॉलेज यूनिवर्सिटी था, साइंस
साइंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में ये क्या बने, लेक्चरार बने फिजिक्स के, ठीक है। और इनके जो साथी थे जिनके बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं आगे, मेघनाद साहा, कलीग थे इनके, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ग्रेट फिजिक्स एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे ये भी। मेघनाद साहा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, और साइंस कॉलेज यूनिवर्सिटी में दोनों साथ में ही जो थे लेक्चरार थे और साथ में जो है रिसर्च भी करते थे। तो यहाँ पर जो है इन दोनों ने ही कुछ कोर्सेज बनाए मॉडर्न मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो 1916 में इन्होंने ज्वाइन किया फिजिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, रिसर्च भी करते थे और लेक्चरार भी थे वहाँ पर। यहाँ पर जब इन्होंने मेघनाथ साहा के साथ कोलैबोरेशन किया तो इन्होंने एक चीज करी, वो क्या थी आपकी, साहा बोस इक्वेशन। साहा बोस इक्वेशन जो था ये नॉन आइडियल गैसेस के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिसर्च करते हुए इन्होंने ये चीज़ की खोज करी। उसके बाद जो है यहाँ पर मेघनाथ साहा और सत्येंद्रनाथ बोस जो है इन दोनों ने ही मिलकर जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उसको जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया विद परमिशन, ठीक है, जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, दोनों ने मिलकर, सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ साहा दोनों ने मिलकर जो है इसको जर्मन टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर 1921 में बोस ने ज्वाइन किया फिजिक्स डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, ठीक है। कोलकाता का जो साइंस कॉलेज था उसको उन्होंने क्या किया, छोड़ा। और उसके बाद 1921 में सत्येंद्रनाथ बोस ने जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका जो कि आज बांग्लादेश में है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका इन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद जो है इन्होंने अपना एक फेमस पेपर लिखा, ठीक है, फेमस पेपर कौन सा था इनका, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फोटोन, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फोटोन्स, ठीक है, फोटोन्स के बारे में इन्होंने एक स्टैटिस्टिक निकाला और एक रिसर्च पेपर लिखा। ये वही है जिसका इन्होंने जो है इन्वेंशन किया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से इन्होंने जो है फोटोन का एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसे इन्होंने जो है किसको भेजा, इन्होंने भेजा इस रिसर्च पेपर को अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के कंटेम्पररी थे ये। और इन्होंने अपना रिसर्च पेपर जो है ये वाला स्टैटिस्टिक्स और फोटोन इसको जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा, और वहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए सत्येंद्रनाथ बोस से, और उन्होंने जो है इस रिसर्च पेपर को इंग्लिश से जर्मनी में जो है ट्रांसलेट किया और फिर इसको एक बहुत ही अच्छे जर्नल में इसको पब्लिश करवाया ऑन द बिहाफ ऑफ सत्येंद्रनाथ बोस, और वहाँ से जो है सत्येंद्रनाथ बोस को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला। और यही जो स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स था जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया इन द रिसर्च ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ फोटोन्स, यही जो है आगे जाके इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिक्स बन जाता है। और इसी को अप्लाई करके जो जितने भी आपके बोसोन पार्टिकल्स हैं, फाइव टाइप के जो आपके बोसोन पार्टिकल्स हैं, इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आप हिग्स बोसोन सुनते हैं, बोसोन पार्टिकल सुनते हैं, ये सब क्या है, इसी स्टैटिस्टिक्स ऑफ फोटोन्स का अप्लाइड वर्जन है, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको बेसिस बनाकर इसका स्टडी किया और डिस्कवरीज किया, जिसके बेसिस पर, इसी स्टैटिस्टिक्स और फोटोन्स के बेसिस पे जो दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की है उन सभी को जो है नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, बट सत्येंद्रनाथ बोस को नहीं मिल पाया है नोबेल प्राइज। चलिए कोई बात नहीं, पर वो जो है एक डिस्कवरी करके गए जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए 1920 में इन्होंने क्वांटम फिजिक्स में जो है एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, देखिए क्वांटम फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ पार्टिकल्स है ना, यहाँ पर पार्टिकल्स की स्टडी होती है, स्टडी
स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, जहां पर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करते हो, है ना। अगर यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करना उस इलेक्ट्रॉन की, ये आता है आपका क्वांटम फिजिक्स में। तो इसमें जो है एक प्रोबेबिलिटी, देखिए एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकल पाती है, हमेशा ही क्या होता है प्रोबेबिलिटी पे काम होता है यहाँ पर, कि कहाँ जो है पोजीशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर इसमें क्वांटम फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, 1920 में इन्होंने किया था, और इन्होंने उस पर एक रिसर्च पेपर भी लिखा था, वो आपका 1924 में लिखा था। वो क्या था आपका, प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ विदाउट रेफरेंसिंग क्लासिकल फिजिक्स। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ ना करते हुए, क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ ना करते हुए इन्होंने जो है क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ जो है उस पर एक रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर कि क्लासिकल फिजिक्स का आप यूज़ नहीं कर रहे, आप क्वांटम फिजिक्स पर, मतलब पार्टिकल्स की स्टडी में, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को फॉर्मुलेट करके इन्होंने ये लॉ बनाया, प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ, उस पर एक रिसर्च पेपर लिखा 1924 में। और इसी पेपर को जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने भेजा 1924 में, ठीक है। और यहाँ पर जब इस पेपर को जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ा, तो यहीं पर जो है आपका क्या हुआ, बोस को जो है 2 साल के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरोप बुला लिया, और यहाँ पर जो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में थे जो लेक्चरारशिप कर रहे थे, तो यहाँ से उनको छुट्टी मिली ऑफिशियली कि ठीक है आप जा सकते हैं। और 2 साल के लिए सत्येंद्रनाथ बोस जो है वो यूरोप गए, वहाँ पर इन्होंने ट्रिमेंडस काम किया, बहुत 2 साल जो है इन्होंने अपना एक्सरे एंड क्रिस्टलोग्राफी लेबोरेटरीज में इन्होंने काम किया, और बहुत दिग्गज लोगों के साथ काम किया इन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम किया, मैरी क्यूरी के साथ काम किया, नोबेल प्राइज विनर्स के साथ काम किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना वहाँ पर रिसर्च किया। देखिए क्योंकि उस जब यहाँ पर वो रिसर्च करते थे तो कोई लेबोरेटरीज नहीं थी इनके पास, कोई साधन नहीं थे, गवर्नमेंट उस टाइम पे कुछ जो है करती भी नहीं थी इन लोगों के लिए, इनको सब कुछ जो है खुद से करना पड़ता था, तो इतने यहाँ पर साधन नहीं थे। तो वहाँ जाकर जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए आइंस्टीन के साथ, मैरी क्यूरी के साथ इन्होंने काम किया, और ट्रिमेंडस वर्क था इनका फिजिक्स में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की इकलौती साइंस की बुक जो इन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस को डेडिकेट की, ठीक है, विश्व परिचय, ठीक है, विश्व परिचय जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की बुक थी जो इन्होंने वन एंड ओनली साइंस की बुक थी रविंद्रनाथ टैगोर की जो इन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस को डेडिकेट की, विश्व परिचय, है ना, याद रखिएगा इसको, 1937 की बात है ये, ठीक है। बोस आइंस्टाइन, अब देखिए इनका कुछ फेमस वर्क है जिनके बारे में आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों ही बहुत बड़ी जो था आइंस्टाइन और बोस का कोलैबोरेशन था, मिलकर इन्होंने काम किया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या था, अ डेंस कलेक्शन ऑफ बोसोन्स पार्टिकल विद इंटीजर स्पिन दैट वर नेम्ड फॉर बोस, ठीक है। तो बोस कंडेंसेशन क्या था, कि देखिए बोस पार्टिकल्स जो होते हैं, बोस पार्टिकल क्या होते हैं, बोस पार्टिकल्स जो है उनमें जो है एक स्पिन नंबर रहता है, एक इंटीजर नंबर रहता है, ठीक है, और जो कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करते हैं वही होते हैं आपके बोसोन पार्टिकल्स, ठीक है। बोसोन जो है वो एनर्जी कैरी करते हैं, तो यहाँ पर जो है फोटोन जैसे एग्जाम्पल है बोसोन का, है ना, जिसका स्पिन नंबर 1 होता है। अब यहाँ पर जो है जब बोस पार्टिकल, ठीक है, गैस स्टेट में होता है, ठीक है, जब बोस पार्टिकल जो है गैस स्टेट में होता है और उसको जो है कूल कर दिया जाता है किसी टेम्परेचर पर, ठीक है, एक एब्सोल्यूट ज़ीरो के टेम्परेचर पर, अगर बोस पार्टिकल जो कि गैस स्टेट में है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर अगर उसको कूल डाउन किया जाता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और ठीक है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है तो यहाँ पर एक लोवेस्ट एनर्जी लेवल बन जाता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल बन जाता है उस पार्टिकल का,
लोवेस्ट एनर्जी लेवल स्टेट आ जाता है उस पार्टिकल का, और इसी लोवेस्ट एनर्जी लेवल स्टेट को क्या बोला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला गया है, ठीक है। और ये जो कंडेंसेट होता है लोअर एनर्जी लेवल स्टेट पर, इसी को क्या बोला गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये फोर्थ स्टेट है ना। आप थ्री स्टेट पढ़ते हो, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। फोर्थ है आपका बोस आइंस्टीन स्टेट और पांचवा है आपका प्लाज्मिक स्टेट, ठीक है। तो इसी को जो है बोस कंडेंसेट को, इसकी एक प्रॉपर्टी भी है जो कि सुपर फ्लूइडिटी को भी एक्सप्लेन करती है ना। बोसोन आपने नाम सुना है, बोसोन पार्टिकल्स होते हैं, हिग्स बोसोन होता है। तो ये पांच तरीके के जो पार्टिकल होते हैं, इसमें जो बोसोन नाम यूज किया है, ये आपका और कुछ नहीं, ये बोस, आपके सत्येंद्रनाथ बोस को ट्रिब्यूट दिया है, क्योंकि इन्होंने जो है, इनको फादर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है इनके लिए एक आर्टिकल आया था जिसमें इनको फादर ऑफ गॉड पार्टिकल भी बोला गया था, फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, क्योंकि इन्होंने ही जो है क्वांटम फिजिक्स का यूज करके, बिना क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके, ये जो बोसोन पार्टिकल्स है इनका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके बताया गया था कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या होता है, जिसको अभी भी लोग जो है अप्लाई करते हैं। और यही जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है, इसी को जो है आज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में जो है, अप्लाइड साइंस है इसका, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, जैसे कि आपका जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये इसी पे काम करता है। देखिए क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, क्वांटम मतलब एकदम छोटे से छोटा, नैनो पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसी को स्टडी किया था किसने, सत्येंद्रनाथ बोस ने, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म यूज किया था। तो यहां पर जो है नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, आपका लेजर ट्रीटमेंट हो गया, ये सब किसकी देन है, तो ये सब अप्लाइड साइंस है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का, ये जो छोटी से छोटी चीज होती है। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है वो आज अप्लाइड है कहाँ पर, आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब में भी जो है इसका एप्लीकेशन है, किसका, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं जो भी इनका काम था 1926 में जो है, जैसे ही इन्होंने अपना काम वहाँ पर किया, बहुत सारी चीज़ें आइंस्टीन के साथ मिलकर करी, और ये वापस यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका आ गए 1926 में, ठीक है। और इनको आइंस्टीन ने रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में कि इनको फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए, चूंकि उस टाइम पर जो है हेड उन्हीं को बनाया जाता था जिनके पास पीएचडी डिग्री होती थी, पर जो सत्येंद्रनाथ बोस है वो कभी भी पीएचडी स्कॉलर नहीं बन पाए, और अपनी रिसर्च में ही इनका ज़्यादा ध्यान था, तो यहाँ पर जो है उन्हें मौका भी नहीं मिला पीएचडी करने का। तो यहाँ पर जो है रिकमेंड करने के बाद आइंस्टाइन के, इनको फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया जैसे ही ये यूरोप से वापस आए, और यहाँ पर उन्होंने फिर से जो है अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। इनका और भी फील्ड्स में जो था इंटरेस्ट था, इनका फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट था, लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते थे, ठीक है, म्यूजिक में भी इनका इंटरेस्ट था, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी, इनको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और आपका जर्मनी, फ्रेंच, ये सब आता था। जर्मनी फ्रेंच तो इन्होंने इसीलिए सीखा क्योंकि इनको जो है साइंटिफिक रिसर्च पेपर बाहर के पढ़ने के लिए इन्होंने जर्मनी और फ्रेंच सीखी, तो इतना ज़्यादा कनेक्शन था इनका फिजिक्स के साथ और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इन्होंने बाहरी लैंग्वेज सीखी ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो साइंटिफिक पेपर्स को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए इन्होंने जर्मन और फ्रेंच भी सीखी, तो इनका और भी फील्ड्स में इंटरेस्ट था, म्यूजिक में था, फिलॉसफी में था, लिटरेचर में था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी जो था इनका योगदान था, तो ये बहुत ज़्यादा ही जो थे मल्टी टैलेंटेड थे, ठीक है। फिर 1937 में इन्होंने अपना एक और पेपर पब्लिश किया, वो था आपका यूनिफाइड फील्ड थ्योरीज, ठीक है। यूनिफाइड फील्ड थ्योरीज पर इन्होंने 1937 में अपना एक और रिसर्च पेपर जो था पब्लिश किया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहां पर, जब यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका भी जब इन्होंने छोड़ दिया, 25 साल यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में इन्होंने अपने दिए, वहाँ पर पढ़ाया, रिसर्च किया, और उसके बाद ये कैलकटा वापस आ गए 1945 में, और यहाँ पर फिर कैलकटा में ही इन्होंने अपना जो है रिसर्च को कंटिन्यू किया और पढ़ाते भी थे ये, और इनकी डेथ जो है 1974 में हुई है।
ठीक है। तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं, हम वो भी देखते हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके लिए एक बुक लिखी, वो थी विश्व परिचय। तो ये एक फैक्ट आप याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर की है ना। ये सब चीज़ें थी, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। तो ये जो है आपके मेंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल प्रोफेसर 1959, ठीक है, 1959 में इनको नेशनल प्रोफेसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उपाधि दी, ठीक है। हाईएस्ट ऑनर, ठीक है, कंट्री का जो हाईएस्ट ऑनर, कंट्री ऑफ द स्कॉलर, 15 साल तक जो है ये रहे हैं नेशनल प्रोफेसर, हाईएस्ट ऑनर था उस टाइम पर। 1954 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द साइंस, ठीक है। ये जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में एडवाइजर भी रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन फिजिकल सोसाइटी में। 1958 में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके नाम पर सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस भी खोला गया है इन कोलकाता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में जो इनको अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। आज भी जो है बोला जाता है कि सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो नोबेल प्राइज के लिए जो है इनको करना, हालांकि ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट जरूर हुए हैं पर इनको अवार्ड नहीं मिला है। तो ये डिजर्व करते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के रिसर्च पे बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरीज की है, तो इनको जो है नोबेल प्राइज तो मिलना ही चाहिए था। पर ठीक है, पद्म विभूषण भी कम नहीं है, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है, ठीक है, और नेशनल प्रोफेसर भी रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम इन्हीं को जो है यहाँ पर हम इस चीज़ को जो है ख़त्म करते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस के टॉपिक को। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपको 3 मार्कर में आता है सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में लिखने को, तो आप जो है इनका बर्थ डेट अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कि ये ग्रेट फिजिसिस्ट थे और इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ट्रांसफर किया, जो है जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। ये भी बता सकते हैं कि 1954 में इनको पद्म विभूषण मिला है। तो आप ये सारी चीजें जो है 3 मार्कर में आप बता सकते हैं। वहीं अगर हम जो है कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आप इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन जो है आपका स्टैटिस्टिक्स, मेघनाथ साहा के साथ जो इनका साहा बोस इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो आप बता सकते हैं, साहा बोस के साथ जो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ट्रांसलेट किया वो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेशनल प्रोफेसर रहे हैं ये आप बता सकते हैं। कंट्रीब्यूशन अदर फील्ड्स में फिलोसफी लिटरेचर, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरीज इन 1937 पब्लिश किया है पेपर, आप ये उनके कॉन्ट्रीब्यूशन में बता सकते हैं, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अगर इनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है तो, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में, प्लैंक क्वांटम रेडिएशन लॉ के बारे में विदाउट यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स, ये सारी चीज़ें जो है आप कॉन्ट्रीब्यूशन में बता सकते हैं, और लास्ट में एक ऑनर उनका लिखकर आंसर को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप 5 मार्कर में लिख सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा कंटेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा फिजिक्स समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स ये एक ब्रांच होती है फिजिक्स की। आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमें देखना है क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, ये सब क्या होता है, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझो जितना
जरूरी है और उतना आप जो है एग्जाम में तैयारी करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना कंटेंट भी सफिशियंट है और जितना मैंने आपको समझाया है वही चीज़ आपको समझनी है। आपको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए फिजिक्स का कि आप फिजिक्स में जो है PhD करने लग जाओ ये पढ़ के, है ना। तो ये आपको नहीं करना है, सिंपली आपको बस इतनी चीज़ें जो है एक साइंटिस्ट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि वाई ही, हाउ मच ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड वॉट आर द अचीवमेंट्स ऑफ दिस साइंटिस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स इंडिया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी है, ठीक है। तो अगर अभी आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको इन सब साइंटिस्ट का जो है PDF चाहिए, ठीक है, तो आप जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो है इसका कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब्स टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट, ठीक है। कंटिन्यूइंग वाली सीरीज़ है तो आपको सारे साइंटिस्ट मिल जाएंगे और शाम को 7 बजे जो है मेरा लेक्चर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, वो भी आप अटेंड कीजिएगा, वो भी मेन्स के अकॉर्डिंग है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।